हेमंत सोरेन जनता से दूर हो गए, इग्नोर करके चल रहे हैं। सोरेन की सरकार बचाने में लगे हुए हैं, सुन लीजिए। कह रहे आप लोग तो आरएसएस के लोग हैं जी। हम बोले कि आप झारखंड के मंत्री हो के हम आपके विभाग से जुड़े हुए लोग हैं और आप अभी तक आपको मालूम नहीं है कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक और आरएसएस में क्या अंतर है। अभी जितना पत्थर खदान वगैरह आप देखे होंगे, अभी जो अभी लोग जैसे अभी आप बोले ना कि शायद हो सकता है कि झारखंड के विकास में लगे हुए, नहीं नहीं, वो झारखंड के बर्बादी में लगे हुए हैं। हम लोग अपने बच्चे को एक रुपया देने में असमर्थ है। अभी एक चीज बता रहे हैं कि हम लोगों का प्रोत्साहन राशि जितना आप स्वयं सेवक देख रहे हैं ना, एक एक स्वयं सेवक का अभी कम से कम 2-3 लाख 2.5 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि बाकी होगा। पूरे झारखंड में लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री आवास बनते हैं, लेकिन इस आवास को आपके गांव तक, आपके घर तक पहुंचाने में पंचायत स्वयं सेवकों की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है और इस भूमिका के बदले उनको जीरो पेमेंट है। जीरो पेमेंट कहने का मतलब है कि पिछले 6 से 7 सालों से इनको मानदेय नहीं मिला है और अभी इस वक्त हम राजधानी रांची के राजभवन स्थित धरना स्थल में आए हैं और लगातार इनका अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। हम इनसे बातचीत करेंगे कि इतने सालों में जब इनको मानदेय नहीं मिला, कैसे घर परिवार चल रहा है, उसके बावजूद भी क्या ये नौकरी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पूरी बातचीत समझते हैं। क्या नाम हुआ दादा? चंद्रदीप कुमार, प्रदेश अध्यक्ष पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के। अभी क्या है कि देखिए, हम लोग 8 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किए हैं, क्योंकि करना इसलिए पड़ गया कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है जो बोल रहे थे चुनाव के समय कि बदलो सरकार और पाओ अधिकार, ठीक है, और यही नारा उन्होंने दिया था। और इसी के तर्ज पर जो है आंगनवाड़ी दीदी वाली लोग, अनुबंध कर्मी, संविदा कर्मी, हम लोग जितना भी लोग हैं, सब लोग एक बार हेमंत सोरेन पर भरोसा किए और हेमंत सोरेन को सत्ता में लाए। जिस तरह से सत्ता में लाए, उसको सत्ता से उखाड़ने का काम भी इस बार हम लोग करेंगे, अगर हम लोगों का मांग पूरा नहीं होता है तो। हम लोग जो है, चूंकि बार बार हेमंत सोरेन जी से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक बार हम लोग से मिले, एक बार हम लोगों से वार्ता करे, पर वो हमेशा टाल मटोल कर रहे हैं। देखिए, पहला तो है कि वो हम लोगों को जो है ना समझते हैं कि आरएसएस के ये लोग हैं। आरएसएस? बाप रे, क्यों? इसलिए कि आलमगीर आलम जी जो मंत्री हैं, हमारे पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं, और वो एक मंत्री हो के उनको ये पता नहीं है कि आरएसएस क्या चीज है और पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक क्या चीज है, उनको खुद पता नहीं है। जिस समय हम लोग 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल गए थे उनसे मिलने उनके आवास में, उन्होंने बोला सबसे पहला शब्द, कह रहे आप लोग तो आरएसएस के लोग हैं जी। हम बोले कि आप झारखंड के मंत्री हो के हम आपके विभाग से जुड़े हुए लोग हैं और आप अभी तक आपको मालूम नहीं है कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक और आरएसएस में क्या अंतर है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना भ्रष्ट सर, मैंने भ्रष्ट मंत्री। आरएसएस के आदमी क्यों कहा जा रहा है? चूंकि हम लोगों का नाम ही है स्वयं सेवक, तो भैया पूरा नाम को पढ़िए ना, पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक, पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक। देखिए, हम लोग ऐसा है ना दीदी, आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोग एक एक घर, अगर मान के चलिए एक पंचायत में 500 आवास पास कराए हैं, तो 500 × 4 कर दीजिए। आने वाला दिन में हम लोग जिस तरह से सरकार के प्रति बोलते हैं ना, जैसे एक लाइन अगर बोल दिए कि अरे ये सरकार आवास दिया है, इसी को वोट दीजिए तो देगा, पर अगर बोल देंगे नहीं नहीं ये सरकार झूठा है, मोदी जी और रघुवर दास अभी 3.5 लाख देगा, वोट उसको दीजिए, तो अभी औकात बता देंगे इनको हेमंत सोरेन जी को भी। क्या क्या चाह रहे, हरा दे उनको, सत्ता बदल दे? देखिए, पहले उन्होंने ही नारा लगाया था, शुरुआत उन्हीं का था कि बदलो सरकार और पाओ अधिकार। उसी तर्ज पर जो है झारखंड के अनुबंध कर्मी, संविदा कर्मी सब मिलके जो है रघुवर दास को उतारे, उनको औकात बताए और हेमंत सोरेन जी को मौका दिए। अबरी बार हेमंत सोरेन जी को भी हम लोग देख लिए, अबरी इनको भी उतार देंगे। अच्छा, ये बताइए, रघुवर की सरकार में आप लोगों का मानदेय ठीक था, मिलता था समय पे हर कुछ? देखिए, रघुवर दास जी के समय मानदेय सिर्फ लागू नहीं हुआ था, पर पंचायत में जो भी जो काम एनजीओ करता था लाखों रुपया में, वो काम हम लोग को ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को और लड़कियों को दिया गया था पंचायत स्वयं सेवक के तर्ज पर। उनका सोच था कि जो हम एनजीओ के थ्रू काम करते हैं, क्यों ना हम अपने यहाँ के लोकल लोगों को जो है काम करवाएं, तो रोजगार उन्होंने दिया था। उनका सिर्फ एक ही था कि हम मानदेय तुम लोग को नहीं दे सकते हैं, पर प्रोत्साहन राशि में अगर बढ़ोतरी बोलोगे तो उसमें कर देंगे। पर जैसे हम लोगों का हर काम का एक अलग अलग प्रोत्साहन राशि निर्धारित है, जैसे प्रधानमंत्री आवास अगर एक बनाते हैं हम लोग,
तो उसका 1200 रुपया मिलता है शुरू से लेके आपका छत लेवल ढलाई तक, माने फाइनल मात्र 1200 रुपया। और उसमें भी उसमें एक कंडीशन था कि अगर एक साल से ऊपर हो गया आवास बनाने में तो प्रत्येक महीना फिर 100 माइनस हो जाएगा। उसके बाद एक शौचालय बनाने का उसको जियो टैग करने का मात्र 25 रुपया उसमें था, राशन कार्ड बनाने का और नाम कटवाने का 10 रुपया प्रोत्साहन राशि था, बिजली चोरी पकड़वाने पर जितना चोरी का जो धन होता है उसमें 5% स्वयं सेवक को मिलता। मैंने एजे थ्रू देखा जाए तो एक दलाल के रूप में हम लोग को नियुक्त हुआ था रघुवर दास के समय, पर हम लोग फिर भी एक उम्मीद रखे थे हेमंत सोरेन जी से कि चलो रघुवर पैदा तो जरूर किया पर लालन पोषण जो है हेमंत सोरेन के सरकार में होगा, इसी उम्मीद से हम लोग जो है सोचे थे कि नया मने ये आए। और इनसे बहुत काफी उम्मीद था, बहुत भरोसा था, एक विश्वास था कि क्षेत्रीय पार्टी का सरकार बनेगा तो क्षेत्रीय लोगों के बारे में सोचेगा, ये सोच के हम लोगों ने भी जो है इनका विरोध नहीं किया। 4 सालों में आपकी एक भी बात नहीं मानी गई? 4 साल में दीदी काम तक नहीं दिया जा रहा इस सरकार में। दिमाग देखिए, हेमंत सोरेन जी का सरकार अगर अकेले का होता ना तो पक्का हम लोगों का भी काम होता, पर चूंकि गठबंधन का सरकार है और कांग्रेस का सरकार है और आलमगीर आलम जैसा खत्म मंत्री, झूठा मंत्री हम लोग देखे ही नहीं। मतलब इतना क्यों उनको बोला जा रहा है, पंचायती राज के लिए तो बढ़िया काम कर रहे हैं। पंचायती राज आप जितना भी अभी आप देखिए, आप लोग मीडिया वाले हैं, आपसे छिपता नहीं है, आप चुनावी घोषणा को देख लीजिए। हेमंत सोरेन जी बोले थे मेरा सरकार बनेगा तो प्रधानमंत्री आवास जो अभी 1.5 लाख मिल रहा है वो 50,000 मिलेगा, बोले गए थे ना जी, 50,000 मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा बोला गया था ना। तो भैया आप सर्वजन पेंशन योजना लागू किए पूरे झारखंड में, आप सभी लोगों को, आपको हम गारंटी बता रहे इसका तो जांच होना चाहिए, जो करोड़पति आदमी है जिसका नौकरी नहीं है और उसका भी 60 साल हो गया वो भी 1000 रुपया पा रहा है सरकार से, और हम लोग बताइए काम कर रहे हैं पर सरकार हम लोग को 1 रुपया नहीं दे रहा है, बताइए कहाँ जाए। ये बताइए इतने कम मानदेय पे आप लोग काम करते हैं, एक पूरा घर बनता है तब 1200 मिलता है, आप लोगों का घर कैसे चलता है दादा? हम लोग का घर अभी हम लोग कहते हैं दयनीय स्थिति है कि हम लोग एक दूसरे से कर्ज में डूबे हुए हैं, लोगों से महाजन से कर्ज पर हम लोग लेके अपना घर चला रहे हैं, आस पास के जो परिवार है वो हम लोग मदद करते हैं, तो हम लोग कर्जा भी कब तक चलेगा, डूबे हुए हैं। और हम लोग की ऐसी स्थिति है कि अगर तत्काल सरकार हम लोग को मानदेय लागू नहीं करती है, हम लोग को एक उचित मानदेय नहीं देती है, तो हम लोग आत्महत्या करने पर मजबूर है, हमारा पूरा परिवार सहित हम लोग आत्मदाह करने पर मजबूर है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं? बच्चे स्कूल जा रहे हैं लेकिन स्कूल का फी भी हम लोग बच्चे को नहीं जमा कर पा रहे हैं, इसलिए स्कूल से भी बच्चों का नाम कट रहा है, और कुछ बच्चे हमारे जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका भी हम लोग सही तरीके से बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, क्योंकि और स्कूल के सरकार के द्वारा जो स्कूल में मिलता है भोजन उसके अलावा भी और व्यवस्था करना पड़ता है, अन्य बच्चे जो भी जाते हैं अपने गाड़ी से कुछ ना कुछ लेकर घर जाकर निकलते हैं, लेकिन हम लोग अपने बच्चे को 1 रुपया देने में असमर्थ है। अभी एक चीज बता रहे हैं कि हम लोगों का प्रोत्साहन राशि जितना आप स्वयं सेवक देख रहे ना, एक एक स्वयं सेवक का अभी कम से कम 2-3 लाख 2.5 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि बाकी होगा, बकाया है। राज्य सरकार के पास पैसा रहते भर में अभी विधानसभा में 5-5 गो विधायक आवाज उठाए हैं और भी सत्ता पक्ष के विधायक उठाए हैं, उसमें बोला गया था कि इन लोगों का जितना प्रोत्साहन राशि अभी बकाया है वो 1 सप्ताह के अंदर में आवंटन कर दीजिए, जिसका डाटा मांगा गया सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी। कब बोला गया था? अभी विधानसभा जो चला था, अभी इसके बाद जो चला, हाँ अभी जो चला था उसमें का बात है। और आपका कौन विधायक बोले थे जी, सुदीप कुमार सोनू जी और वो विधायक सत्ता पक्ष के बोले थे, और अभी डीसी साहब सबसे रिपोर्ट मंगा रहे थे कि भाई किनका किनका रुपया बाकी है, ठीक है तो आप लोग डाटा दीजिए। वीडियो साहब अनन फनन में, चूंकि विधानसभा सत्र को वहाँ ये जवाब देना था, तुरंत हम लोग का डाटा बना और उसमें आज बने हुए 1 महीना से ऊपर हो गया पर अभी तक 1 रुपया फिर नहीं मिला। अच्छा सत्र की अगर बात कर रहे हैं तो उस सत्र से अभी शायद इस जुलाई के लास्ट में मानसून सत्र शुरू हो जाएगा, फिर भी आप लोग को नहीं मिला है, क्या कहेंगे? सबसे बड़ा बात है कि यह सरकार में सबसे पहले हम लोग जब भी इनको मिलने का कोशिश किए तो ही कभी मिलने का टाइम ही नहीं देते, इससे ज्यादा और क्या खराब। विकास के काम में बिजी होंगे? नहीं मैडम, विकास के काम में बिजी नहीं है, थोड़ा घमंड में चूर है, घमंड में थोड़ा चूर है। सरकार उनकी है, वो जानेंगे ना, सत्ता अपनी सत्ता में, जिसकी सत्ता रहती है, जिस मांग पत्र जिस समय वो चुनाव हुआ था, घोषणा पत्र था, उसमें 3रा नंबर में हम लोग स्वयं सेवक का नाम था कि आप लोगों को मानदेय लागू करेंगे, लेकिन आज 4 साल होने चला
हम पूछना चाहते हैं उनसे कि आज तक अमल क्यों नहीं किए। अरे अमल तो दूर की बात, मिलने का कोशिश तक नहीं किए, सबसे बड़ा खराब। तब तो आज हम लोग रोड पे आके बैठे हुए हैं। इतने आवेदन दिए हैं मिलने के लिए आपसे कम 10 मैडम, हर एक जगह जाते हैं, हर एक जगह उनको आवेदन देते हैं ड्यू टू केवल मिलने के लिए, लेकिन उनके पास समय नहीं है। मिलना है रघुवती हेमंत से मिलना है या आलमगीर से मिलना है? नहीं, हम लोग को सबसे पहले हेमंत सोरेन से मिलना है। आलमगीर आलम से 5 बार मिल चुके हैं, जाकर के आवेदन दिए हैं, लेकिन हम लोग को एक बार मुख्यमंत्री से मिलना है। ज्यादा आदमी से नहीं मिले, हम लोग को जो 5 कमेटी का मेंबर है उनसे मिल ले, यही सबसे बड़ा बात है। एक तरह से समझे कि भगवान का दर्शन हो जाएगा, और क्या बोले। लेकिन हम लोग 4 साल से एक बार मिलने का कोशिश भी नहीं किए, इससे बड़ा मतलब समझिए और क्या हो सकता। क्या जनता से, यहाँ के लोगों से दूर हो गए हेमंत सोरेन? एकदम हेमंत सोरेन जनता से दूर हो गए, इग्नोर करके चल रहे हैं। हेमंत सोरेन की सरकार बचाने में लगे हुए हैं। सुन लीजिए, अभी जितना पत्थर खदान वगैरह आप देखे होंगे, अभी लोग जैसे अभी आप बोले ना कि शायद हो सकता है कि झारखंड के विकास में लगे हुए, नहीं नहीं, वो झारखंड के बर्बादी में लगे हुए हैं। क्योंकि उनके अपने विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, आप देख रहे होंगे कितने लोग उनके संपर्क के आदमी पकड़ा रहे हैं, तो वो सिर्फ सरकार बचाने में, खुद को बचाने में और अपने सत्ता को बचाने में लगे हुए हैं। झारखंड सत्ता को बनाने वाले आप लोग हैं, अब आप लोग भी बोल रहे हैं हम साथ नहीं देंगे, तो कहाँ जाएंगे मंत्री? मंत्री क्या कह रहे, हम लोग भी तो खुद इतना परेशान हो गए, हम लोग कितना बार धरना दिए, कितना क्या किए, लेकिन सरकार पे किसी तरह कोई असर नहीं हो रहा है। अब तो लास्ट में ऐसा हो रहा है कि या तो खुदकुशी कर ले, क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि सब परेशान हो गए हैं। इसीलिए सरकार से हम लोग एक ही विनती करते हैं, हम लोग निवेदन करते हैं कि एक बार हम लोग की वार्ता सिर्फ कर ले, हम लोग से मिलकर एक बार मुलाकात तो कर ही सकते हैं, कर लीजिए। और हम लोग निवेदन करते हैं, आप देख लीजिए मांग पत्र में कि पहला ऐसा संघ है हम लोग जो माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का हम लोग मांग रखे हैं। सिर्फ अभी पहली इनकी यही मांग है कि मिल लीजिए भैया एक बार, भी इसलिए कि माननीय हेमंत सोरेन जी बड़े बड़े मंचों से बोला करते थे कि भाई आप लोग जो है कोई भी, चाहे अनुबंध कर्मी, संविदा कर्मी, छात्र, किसी भी प्रकार का संगठन, आप लोग सड़क पे मत उतरिए, हम आपके बेटा हैं, हम आपके भाई हैं, हम आपके घर के लड़का हैं, आप आइए, हमारा दरवाजा खुला हुआ है, आके मिलिए, अपनी बातों को रखिए। हम लोग इसी के लिए इस मांग को रखे हैं, याद दिला रहे हैं कि आप बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, और आने वाला समय में पता नहीं क्या कीजिएगा भगवान जाने, पर इतना जरूर है कि अब इनसे हम लोग ठगाने वाले नहीं है, झारखंड का कोई भी लोग। क्या आप लोग 24 में मदद नहीं करेंगे? देखिए हम लोग क्या, मैंने जितने लोग से ही वादा किए थे ना, कि किन्हीं का मांग को पूरा नहीं किए हैं, इसके लिए इनको एक बार मौका दिया। आदमी, किसी भी आदमी को एक ही बार मौका मिलता है, इस सरकार को भी एक बार मौका मिला, अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि सरकार बनते के साथ आप देखे होंगे कि ये पहला मुख्यमंत्री है कि मुख्यमंत्री के पद में रह के अपने नाम से, अपने परिवार के नाम से खदान आवंटन का ये करते हैं, लीज दिलवाते हैं। तो ये पहला सरकार है जो सिर्फ लूट खसोट में लगा हुआ है, परिवार को सिर्फ डेवलप करवाया है। अभी बहुत नाराज लग रहे हैं आप मैडम। ऐसा है कि हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में एक एक घर में पहुंचे हुए, पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का ये मतलब है कि हम लोग सरकार के जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं आई, एक एक घर पर हम लोग गए, योजना को लेकर लोगों को लाभान्वित करवाए हैं। और हम लोग चाहेंगे तो सरकार को जिस तरह से बनाया है, आसानी के साथ 2024 में हम लोग उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे, अगर हमारी बात तो सरकार नहीं मानती है तो। अभी सरकार के पास वक्त है, उनके मंत्रालय के पास वक्त है, विभाग के पास वक्त है, वो सचेत हो जाए और हम लोगों की मांग पर विचार करते हुए हमारी मांगों को मानने का काम करें, नहीं तो आने वाला वक्त 2024 में इतना दुर्गति स्थिति होगी कि बहुत से विधानसभाओं में नेताओं को अपना जमानत बचाने में मुश्किल पड़ेगा। ये हमारा आप लोग, आप मीडिया बंधु से उन तक संदेश है, उन तक ये संदेश जाए कि आने वाले समय में पंचायत सचिवालय सेवक आपकी सरकार का साथ या आपके नेताओं का साथ छोड़ देती है तो आप कह के नहीं रहेंगे। हम लोग आज फिलहाल दादा ये 8 तारीख से चल रहा है, कब तक इसको करने की बात है? जब इस बार तो ऐसा है ना कि हम लोग जब तक मुख्यमंत्री से नहीं मिलेंगे, हम लोग इस बार उठेंगे नहीं, ये तो एकदम पक्का है। आलमगीर अगर मान लिया आपकी बात तब? नहीं नहीं नहीं, आलमगीर आलम जी तो पहले ही बोल चुके हैं कि भैया आप लोग का बहाली रघुवर दास सादा पेपर में कर दिए। अरे सादा पेपर क्या होता है? अब वो तो बताएंगे, तो हम उनसे वही बोले कि अगर रघुवर दास सादा पेपर में कर दिया तो आप उसको कलरफुल बना दीजिए, रंगीन कर दीजिए, हम लोग का जीवन को रंगीन कर दीजिए, पर वो बोलते हैं कि मुख्यमंत्री करेंगे। बताइए, विभागीय मंत्री को पता नहीं है कि हमको क्या करना है इसमें,
माने हर चीज मुख्यमंत्री करेंगे, तो भैया आप फिर मंत्री पद में हैं क्यों? आपको तो रिजाइन मार देना चाहिए था, आपको या तो छोड़ देना चाहिए था पद। और ऐसे भी आपको हम बता दे रहे हैं कि सबसे भ्रष्ट मंत्री है ये आलमगीर आलम, एकदम खुला बोल रहे हैं आपको, सबसे खत्म व्यक्ति है ये। अच्छा, भ्रष्ट बोलने के पीछे का भी रीजन होना चाहिए एकदम। अभी आप देख लीजिए, अभी आप देखे होंगे इनका भी नाम उछला ना, अभी आपका टोल टैक्स वाला में इनका नाम उछला ना, तो भैया कैसे उछला? आग जलता है तभी धुआं होता है मैडम। ये लोग अभी सत्ता में बैठ के सिर्फ लूट खसोट किए हुए हैं। हम कह रहे कि बेरोजगारी भत्ता का आप घोषणा किए ना, हमको बेरोजगारी के नाम पे रोजगार मिला हुआ है, तो भाई हम लोग तो बेरोजगारों से बदतर है, हम ही लोग को कुछ दे दीजिए ना, हम लोग तो काम कर रहे हैं ना। अगर हम लोग काम नहीं करते हैं तो हम लोग को आप बैठा दीजिए, हटा दीजिए। और ना तो देखिए, हम लोग मिलना इसलिए चाहते हैं मुख्यमंत्री से कि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि सर आपके सरकार में पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का भविष्य है या नहीं, बस इतना ही जानना चाहते हैं। अगर नहीं है तो आप हटा तो दीजिए, क्लियर कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए। अगर नहीं है तो हटा दीजिए, ताकि आपके आश्रम में हम लोग नहीं रहे, हम लोग फिर कोई दूसरा उपाय। पंचायत स्वयं सेवक जो आप लोग हैं, कितने की संख्या में? हम लोग पूरे राज्य लेवल में 18,000 के लगभग में है, 17,572 इतने के संख्या में। पर उसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो देखे कि ये सरकार कुछ कर नहीं रही है, तो बहुत लोग इधर उधर काम पकड़ लिए, नौकरी पकड़ लिए, इतना सालों से नहीं मिलेगा तो क्या करें। बिल्कुल, बहुत लोग मजदूरी करने लगे, बहुत लोग जो है पुआ पकवान पकौड़ा बेचने लगे, क्या करेंगे सरकार। आप लोग आस में बैठे हैं। हम लोग एक देखिए, हम एक बार आपको एक चीज और बता रहे, पॉजिटिव चीज, माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है, जिस दिन अगर वो मिल लिए ना, तो हम लोग का दर्द को समझेंगे, और जरूर हमें विश्वास है कि वाकई में माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के बाद हम लोग का समस्या का समाधान हो सकता है, ये उम्मीद है। हम ये समझे कि आप लोग निराश भी है लेकिन आशा भी उन्हीं से रखते हैं, है ना। फिलहाल पंचायत स्वयं सेवक संघ के लोग यहाँ पर हैं और लगातार अपनी बातों को कई सालों से आलमगीर आलम के पास रख रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल इनकी मांग है कि हमें मुख्यमंत्री से एक बार मिलवाया जाए, हम स्वयं मिलकर उनसे अपनी बातचीत रखना चाहते हैं, जो समस्या है उन पर बातचीत करना चाहते हैं। बस इनकी बहुत ही छोटी सी निवेदन है कि एक बार मुख्यमंत्री हमसे मिले, बाकी मिलने के बाद जो वार्तालाप होगा उसे चीजें सुलझने का काम करेगी। फिलहाल हम है यहाँ पे और लगातार अनिश्चितकालीन धरने पे है। मुख्यमंत्री से हमारी भी ये गुजारिश रहेगी कि आपके ही क्षेत्र के लोग हैं, आपके ही राज्य के लोग हैं, एक बार जरूर इनसे मिलने की कोशिश करें, इन्हें समझने की कोशिश करें, क्योंकि समस्याओं को समझने की कोशिश करें। फिलहाल हम हैं यहाँ पे, बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, अभी इस वक्त के लिए जुहार है।